हम तो भाई बदलाव चाहोगे। इमनू था जो सा 2 करोड़ का कोला खाई गया, वो देश का भला कर सकता अनुताओ? ये आधा साथ में सुन रहे, इब तो हमारे बार में आए कहना सतपाल जी का भी वहाँ किसान सरपंच गए वो छेद दिए, इब हमारे गाँव में आए रही आज हम आपने पिटमा रहे गपता हो क्या 800 का बुरा मानो। इसकी बार चुनाव है, कुरुक्षेत्र लोकसभा है, नायब सैनी यहाँ पर सांसद थे पहले, तो क्या उनका फर्क अब पड़ने वाला है कि नवीन जिंदल बन पाएंगे? नामुमकिन है नवीन जिंदल, नामुमकिन है। यहाँ पर सुशील गुप्ता क्लियर है, सुशील गुप्ता क्लियर है बिल्कुल। तुम्हारे इधर से देखा जाए तो नवीन जिंदल है, उधर से देखा जाए तो सुशील गुप्ता है। जिंदल ही है जी, कहने से क्या असर लगा, जिंदल बन जाएंगे पक्का। नाराजगी नजर आई है क्या मोदी ने, नाश कर दिया बिल्कुल जी। पता है जी, वो वोट सब जिंदल के साथ है, सब जिंदल। क्या कोलिया का घोटाला है उनके पास में, ऐसे सारी चीजें हैं। दौड़ के दौड़े तो कोई नहीं है जी। अच्छा, ना ना, सब राजनीति में कोई साफ आदमी नहीं है जी। पूछता जी, भाई जी क्या नाम? आप ही बता दो क्या नाम? ये बता दो भाई, हमारे हम नहीं बता दे। नाम तो बता दो, बताना क्या, ये बता दो। बढ़िया चल रही है सरकार, क्या ठीक चल रहा है सारा काम? ठीक, मजा आ रहा है, मजोर है, ठीक है भाई, बस बढ़िया है। नहीं, जो कह रहे हैं मोदी की गारंटी कहीं दिखाई दे रही है, बढ़िया काम बताया होगा। तब उन्हें ठीक नहीं बताया, तब उन्हें ठीक बताया और ठीक आता वही से आ गया, बस ठीक आज कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 24 न्यूज़। और आज हम आपको लेकर के चलते हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट है जिसका नाम, गांव का नाम है काजनू। और इसी के अंदर आप पता करते हैं कि अब की बार, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है तो लगभग तय भी कर लिया है, लोगों का मूड बन चुका है कि किसकी तरफ अब की बार जाना है। क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले जो सांसद थे वो थे नायब सैनी, क्या अब की बार यहाँ पर नवीन जिंदल का हुआ बीजेपी से, और अगर गठबंधन से बात कीजिए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता का हुआ है, तो कैसे देखते हैं, किसको बना रहे हैं अब की बार सरकार में, किसको बनाना चाहते हैं? यहाँ पर हमारे साथ में जनता जुड़ चुकी है, जनता की अब राय लेते हैं कि आखिरकार क्या बन रहा है अब की बार मूड। अंकल जी राम राम, कैसे देख रहे हैं अब की बार चुनाव को? देख रहे उल्ट पुलट से रहा। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ जी। अच्छा, अब ये देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। न किसान रहा न जवान रहे, किसान लठों से पीट दिए, और जो हमारे जवान थे वह अग्निवीर बना दिए। बताओ 4 साल के बाद वो जो जी अपने घर। अब जो बच्चों के अंदर जज्बा था भर्ती होने का, वो उनके अंदर से ख़त्म हो गया। नहीं तो हमारे गाँव में सवेरी लड़के वर्जिश करे कर रहे थे, रेस लै कर रहे थे, तो उनके मतलब दिल टूट गए, वो क्या करेंगे, भर्ती हो क्या करें, 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल जो है नौकरी मिलेगी, फिर अपने घर क्या करेंगे इसमें। तो हम ये सोच रहे हैं भी सरकार को पलटो, तन्नाशाही सरकार होगी, जो 5 साल के बाद पलट देने चाहिए थे, गलती करी लोगों ने, अब 10 साल में मस्त गए, तो अपनी मनमानी कर रहे। तो हम ये सोच रहे हैं भी इनको हटाओ और झाड़ू पे बटन लगाओ, झाड़ू पे बटन दबाओ। तो लग रहा है कहीं से उम्मीद की अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, इन जो आपने समस्याएँ बताई हैं कुछ करेंगे। हम उन्हें नगरी अंडे आप घोषणा पत्र पढ़ो उनका, सारी बिजली फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, 3 चीज़ें चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें फ्री मिल जाए देश को खुशहाल है। तो ये भी तो कह रहे थे अब की बार मोदी की गारंटी है, और उसके बाद में घर घर तक पहुंचा दी उज्ज्वला। चीन की सामान की क्या गारंटी है, ना इसकी गारंटी है। 4 दिन वो चलेगा, 4 दिन ये, फिर ये बदल जा, शुरू में कहा फिर बदल जाए, झूठ बोल रहा जुमलाबाज आए, ये गुजराती हैं जुमलाबाज हैं दोनों, अमित शाह बेरियो भी, और दोनों पक्के अड़े। अच्छा, इनकी अड़ी तोड़नी, अड़ी तोड़नी है, इनमें जूता बजवाना। अच्छा, तो बच जाएगा क्या? नहीं बजेगा, बजेगा। मेरा तो ये कहना, देखो जी आप दूसरे से पूछ लो, पूछ सकते। अच्छा, जी भाई जी क्या नाम? अशोक कुमार जी। कैसे देख रहे हैं अशोक जी अब की बार यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है इसमें कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले नायब सैनी थे, मुख्यमंत्री बन गए, क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर, बीजेपी नहीं आ पाएगी दोबारा से फिर? नहीं, मेरे को तो मुश्किल लग रहा है जी बीजेपी नहीं आने की, ये तो मरे साहब नायब सैनी के गढ़ में पै दिया, क्योंकि खट्टर को पता था अगर खट्टर साहब गांव में अंदर ना तो गांव में लोगों को कुछ नहीं दे वहाँ थे, किसानों की वजह से या पार्टी बदनाम जा देगी। किसानों को दिल्ली नहीं जान दे रहे, किला गाड़ दी, किसानों को बदनाम कर रहे, किसी की बात नहीं सुन दे। ये पीछे जैसे सरपंच गए चंडीगढ़, उनकी कोई मांग थी, उनको लठ मारना स्टार्ट करे। अरे तुम 10-20 आदमी को बुला के बात भी तो कर सकते हैं, लठते कोई सारी समस्या कल थोड़ी, पब्लिक का लठ खाकर बैठगी, ये भाएगा ना मौका। अब की बार जाना भाजपा को पलटी मारेंगे।
तो कह रहे हैं अब की बार मोदी की गारंटी चल रही है, सारी चीज़ें अब की बार फाइनल हो रहा है, मामला 400 पार हो रहे हैं। वो भाई गारंटी कर रहे थे, मैं नहीं आने पिछले नु कहे थे भाई मारे जाए ना 75 पार अरे 40 बने थे पिछले मैं देखला इस तरह अरेब कह रहा एक दिन का बनता और बोल बिल्कुल नहीं बनता किसी बोल मारे इनका जूस मार तंग करे हम ये मारे नु कहे थे 3,000 करो 5 साल में 3,000 पूरे करे। मोदी कह रहा है घर घर पहुँचा दिया राशन सब कुछ दे रहे हैं फ्री। क्या नु कहूँ 5 किलो में होएगा आदमी कमी ना 5 किलो में तो हजम कर काम करगा 2 दिन में। हाँ तो देखने बाजरा दे दिया अब की बार बाजरा इतना बढ़िया चीज है बाजरा दे दी। अरे अब का खाली गेहूँ थी अब का गेहूँ थी 10 किलो क्या बना था नोए रहा राशन का क्या फायदा देना कथा बंद करते क्या इतने आदमी तो पूरा राशन दिया पूरा सिलेंडर नहीं दे दिया घर घर सिलेंडर पहुँचा दिए। सिलेंडर तो कभी ले बोलता कहीं तो ले सिलेंडर कर लिया हमने कोई दिक्कत है दिक्कत है मारो जिम्मेदार पीटा अपने मांग पा उसका तो खामना। तो अब की बार फिर बदलाव चाहोगे? हम तो भाई बदलाव चाहोगे। इमन जो सा 2 करोड़ का कोला खाएगा वो देश का भला कर सकता है नुताओ या 10 आदमी सुन रहे इब तो हमारे बार में आए कहना सतपाल जी का विवाह सरपंच गए वो छेद दिए इब हमारे गाँव में आए रे आज हम आपने पिट मारे गप था 800 का बुरा मानो चीज का फिर उन्हें तो नहीं गए वो तो नहीं जानते किसी की। तो नवीन जिंदल बढ़िया नहीं है इतनी बढ़िया छवि है उनकी कांग्रेस में बढ़िया रही। 200 करोड़ खाया हम तो मना दी रोटी फालतू खाकर खाता जो उल्टा करता फिर आधी रोटी फालतू खाकर खा जो उल्टा ना करता तो 200 करोड़ ऐसी कुछ चीज होती तो बीजेपी टिकट थोड़ी देती उन्हें। किसने? नवीन जिंदल को बदमाश था टिकट उन्होंने केजरीवाल ने लुपाट लिया उनके वो जो अंदर के रखे वहाँ और ना था क्या कर दिया जो ना भला कर दिया कोई भी मुख्यमंत्री भला नहीं कर सकता किसी का भी और बोल लो यूं का केस फाइनल थोड़ी युवान पर जभी तो टिकट दिया अगर केस फाइनल हो जाता ऐसा हो जाता है केस का झूठा था तो मत पा दी तो पहले सरकार की भी थी तो जज इनके भी बापे रे यह ना बात तो वरुण चौधरी बन पाओगे अगली बार? कौन जी? वरुण चौधरी बनेगा क्यों नहीं? कौन झाड़ू वाला? झाड़ू वाला बनेगा क्यों नहीं? आते हम बढ़ाऊंगा बट्टा देंगे मुझे फिर रहे कह रहे तो फिर पर लड़ जाओ वहीं चले जाओ बीजेपी पे नहीं जानते देखे चले जाओ हम नहीं जानते हम न तो दुख हम जाना साल भर हड़ताल कर मारते क्या कम होते इन्हू अगता सारी मांग पूरी कर दिया और लटका पे लागू कर दिया हमारे नत तोड़ जिम्मेदार जो खेती कर रहे तो सुशील गुप्ता बन जाएंगे अगली बार बढ़ेंगे आला सा 100% बनेंगे और बोल। अच्छा और बोल चलते हैं भाई। अंकल जी क्या नाम? बोले जाने का नहीं कैसे देख रहे हैं अब की बार कुछ तो माहौल बदला होगा क्या? पहली सरकार भी देखी बढ़िया थी अब सरकार बढ़िया बोल दिया जो कुछ युवा से पूछता है जी भाई जी क्या नाम आप भी बता दो क्या नाम भाई हमारा बता दो नाम तो बता दो बताना क्या ये बता दो बढ़िया चल रही है सरकार क्या ठीक चल रहा है सारा काम ठीक मजा आ रहा है बस और है ठीक है भाई बस बढ़िया है जो कह रहे हैं मोदी की गारंटी कहीं दिखाई दे रही है बढ़िया काम होगा तब ना ठीक नहीं बताया तब ना ठीक बताया और ठीक आता वहीं से बस ठीक आज कर सकता चलन तो हो गया बढ़िया चल रहा है जी भाई जी क्या नाम विनोद कैसे देख रहे हैं अब की बार चुनाव चुनाव झाड़ू चल रहे तो भाई झाड़ू चल रहा है झाड़ू चाहे बीजेपी को क्यों नहीं चाहोगे बीजेपी ने फायदे कर दिया हाईवे बन गए बड़े बड़े हाईवे तुम जहाँ बने वहाँ बने यहाँ बने यहाँ सड़क बन सी सड़कें बढ़िया बन रही है कहाँ टूट रही है क्या हाल है भाई बढ़िया बन रही है कहाँ टूट ये सड़क देख रहे आप है भाई और देखो ना क्या काम कर रही है जब बात करा एक बात पूरी कर दी बता दी 10 साल है जितने बात कर एक बात सही करा देखे मात ली कराए तरह नीम यूरिया बना दिया यूरिया पहले नुका यूरिया ब्लैक होया करा था यूरिया नीम ले मिलता डायरेक्ट हम डाय नहीं मिलता क्या कर उसका बाद में जिस टाइम क्रैम पूरे ले फसल का फिर ये यूरिया डाय देवा उन्हें सिर्फ मारेंगे जिस टाइम पर मिलता जिम्मेदार क्या करेंगे जिम्मेदार है क्षेत्र तो सुशील गुप्ता बनेंगे अब की बार हाँ बिल्कुल जी 100% नवीन जिंदल नहीं बन पाएंगे मतलब नहीं जी जब प्रोग्राम होगा यहाँ आवेंगे फिर बदल जाओगे सारे मतलब नहीं था जी उकड़े जूते मारे हम तो कह रहे हो कि बदल बदल की बात कर रहा अंदर को मैंने बदल देना। अच्छा हाँ जी भाई जी क्या नाम? कैसे देख रहे हैं अब की बार चुनाव? जो भाई ने कहा ठीक कहा क्या कह दिया था ये तो कह रहा बीजेपी आनी अब की बार यही आ बीजेपी आ जाएगी बस जून साहब का भाई आ जाएगा बीजेपी बढ़िया वैसे बस भाई पिछले ठीक थी देखो क्या करेंगे बदलाव आएगा कुछ बस कुछ झाड़ू झूड़ू वाला बन जाएगा या फिर क्या भाई डमाडोल है रहा डमाडोल है झाड़ू का भी बस क्या पता किस तरह बनेगा किस तरह ना बनेगा क्या बनेगा तो बीजेपी बनेगी झाड़ू वाला बनेगा बस पक्की नहीं कह सकते भाई कुछ नहीं पता मामला कुछ भी हो सका है कुछ भी हो सका है जी भाई जी क्या नाम? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी कैसे देख रहे हैं अब की बार चुनाव है कुरुक्षेत्र लोकसभा है नायब सैनी यहाँ पर सांसद थे पहले तो क्या उनका फर्क अब पड़ने वाला है कि नवीन जिंदल बन पाएंगे? नामुमकिन नवीन जिंदल नामुमकिन यहाँ पर सुशील गुप्ता क्लियर है। सुशील गुप्ता
क्लियर है बिल्कुल। प्लस पॉइंट यह है बीजेपी ने इतना हल्ला मचा दिया कि हद से ज़्यादा, अंबानी अडानी को इतना वो दे दिया कि मतलब देश में 7 बंदे हैं, 2 बंदे बेचने पर लग रहे और 5 बंदे खरीदने पर लग रहे, मतलब इन्होंने इंडिया का जो है नाश कर दिया बिल्कुल। तो सुशील गुप्ता का ही अब की बार ज़्यादा जोर है। सुशील गुप्ता बिल्कुल क्लियर है। तो नाराजगी मोदी से है या आगे सांसद से है जो नवीन जिंदल है उनसे? बीजेपी से, कच्छादारी से। बीजेपी से नाराजगी है, कच्छादारी से, सारों से नाराजगी है, जो भी आरएसएस के, आरएसएस से बिल्कुल सबसे। तो आरएसएस से यह नाराजगी होगी, करी क्या उसने? जिसने आरएसएस कोई पार्टी थोड़ी है, जिसने बीजेपी का दामन शुरू में थाम बैठा वो तो आज पीछे है, वे तो आगे माने नहीं दिए। जो भी अगर आरएसएस के हैं, अगर कोई मंत्री, जो कोई गृह मंत्री बना दिया, कोई रक्षा मंत्री बना दिया, कोई कुछ बना दिया, मतलब आडवाणी और मारे फेंक का पीछा एकदम, कह रहे राष्ट्रपति बनाओगे, उसको कुछ नहीं बनाया, उसको साइड में कर दिया। और इन्होंने इतना इतना आतंक मचा दिया कि जिमीदार को, किसान को जाने एक जीना भरी हराम कर दिया बिल्कुल गति के हराम। ऐसे हुआ कि मतलब एक आदमी तो घर में से जाना कागज जाना कट्टे में पैक है, कंधे पर लगा के बाजार में घूमता रहा, लाइन में खड़े आ बस लाइन में, कागज ज़्यादा कर दिए। हाँ मतलब हर चीज़ का पोर्टल ये वो करो, ऑनलाइन क्या क्या करेंगे, अनपढ़ लोग आते हैं क्या करेंगे ऑनलाइन का? अच्छा जो भी है मान ले अनपढ़ है बेचारा कहाँ जाएगा क्या करेगा वो, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पर भी देखते हैं। जी भाई जी, तो क्या नाम भाई? अनिल कंबोज। कैसे देख रहे हैं कंबोज जी अब की बात? चुनाव कुरुक्षेत्र लोकसभा है, नायब सैन्य, वो क्या क्या बोलते हैं तुम्हारे, इधर से देखा जाए तो नवीन जिंदल है, उधर से देखा जाए तो सुशील गुप्ता है। जिंदल ही है जी, कहने से क्या असर लगा, जिंदल बन जाएंगे पक्का। नाराजगी नजर आई है क्या मोदी ने, नाश कर दिया हुआ जी? पता है जी, वो वोट सब जिंदल के साथ है, सब जिंदल। क्या कोलिया का घोटाला है उनके पास में, ऐसे सारी चीजें हैं, दौड़ के दौड़े तो कोई नहीं है जी। अच्छा, ना ना, सब राजनीति में कोई साफ आदमी नहीं है जी, पर चलो फिर भी बीजेपी है जी, युवा के साथ है, खर्ची पर्ची से बिना उसकी नौकरी मिल रही जी। तो अग्निवीर ऐसी कर दी युवाओं के लिए कि उसमें ना जीने के, ना मरने, ना नौकरी करने के, जिसने कहना ना कहनी है जी। और एक बीजेपी अग्निवीर से फायदा है कुछ? हाँ जी, युवाओं को फायदा हुआ है कुछ? अग्निवीर फायदा हुआ है जी। क्या चीज़ फायदा हुआ है, क्या सबसे बड़ा क्या फायदा? सबसे बड़ी फायदा तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी है जी, मिल रही जी। अच्छा, हमारे लड़के लगे हैं जी बिना खर्ची पर्ची के, हम कैसे कह देंगे नहीं लगे? तो हम तो कहते हैं जी बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी 100%। चलिए भाई, ये कहते हैं कि बीजेपी आएगी, और इनसे पूछते कि इन्होंने भाई ने कहा कि बीजेपी आएगी। जी भाई जी, क्या नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव को? चुनाव तो बड़ी हो रहा, पर मशीनों में रफेरी है। मशीनों में रफेरी होगी बिल्कुल जी, अभी तो चली भी नहीं। चल गई अभी, कहाँ चली? ये यूपी में नहीं चली, बंगाल में चली, कहाँ चली, सारे चल गई ना। तुमने तो पहले इल्जाम लगा दिया, अभी तक तो मामला भी नहीं हुआ कुछ भी। हो गया सुपड़ा साफ। किसका? बीजेपी का। अभी कह रहे मशीन खराब होगी, बीजेपी कैसे हो जाएगा? ये पब्लिक में वोट है इनकी, पब्लिक में नहीं वोट है, लोग साइलेंट है, वोट बिल्कुल साइलेंट। पर हम देश का प्रधानमंत्री चाहिए ना, गुलाम नहीं चाहिए ना। वो तो अभी कह के पहले लोग बीजेपी के, उनको बीजेपी जीतनी चाहिए, कुछ हो जाओ इनको करना तो उस पर ना, तो जमीन न एक बीघा ना खेती, मजदूर आदमी है दिहाड़ी करनी, उनने क्या पता फ्री मखाने नहीं मिल रहा, फिर वो तो गुण गा उसके, हम तो जिम्मेदार हैं ना। अच्छा, मारे किसान मरे, आंदोलन जी भी कहा, नाड़ी के कीड़े कहा, क्यों ले रहे आज इन पते वोट, क्यों अरे गम होमा इन कीड़ों के अलावा, क्यों अरे अपने ऐसे सिखाने रहे, ले लो नाम बानी अडानी पते वोट। तो अब की बार फिर जो सुशील गुप्ता निकाल पाएंगे सीट? परमात्मा सुखरा क्या काटेगा, अभी तो कह रहे थे हो जाएगी, फिर कैसे काटेंगे? दुखे थे तो माँ जी जो सुपड़ा साफ है। अच्छा, तो यहाँ से हमने आपको ये दिखाई है कि जनता की राय, ये अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र लोकसभा है, और कुरुक्षेत्र लोकसभा पे अभी हमने जनता का मूड दिखाया, आगे की भी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, खबर को बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।